अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल हैरियत से होंगे। तो आज आपको छोटे छोटे बहुत सारे कपड़े दिख रहे होंगे जो कि मैंने अपनी बेटी के स्टिच किए हैं। तो बहुत ही प्यार से, मेहनत से मैंने स्टिच किए हैं, ठीक है। गर्मियों के लॉन के कपड़े हैं, तो बारी बारी मैं आपके साथ इनकी डिज़ाइनिंग जो है वो शेयर करूँगी, उसकी डिटेल दिखाऊँगी। आई होप आपको सारी ही डिज़ाइनिंग अच्छी लगेगी। मुझे उम्मीद है आप वीडियो को लाइक भी मस्ट करेंगे। तो सबसे पहले जिस पर सबसे ज़्यादा मेहनत हुई है वो फ्रॉक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे ये देखें जी, मैंने इसके ऊपर हैंड एम्ब्रॉयडरी की है, यानी कि मिरर वर्क किया है। जो आपको दिख रहा है ये मैंने खुद किया है, ठीक है। कोई बाजारी बने बनाए मैंने शीशे नहीं लिए, ये मैंने खुद से जो है वो सुई धागे की मदद से ऊपर लगाए हैं। और नीचे एक एक जो है वो टसल लगा दिया है, जो कि बॉक्स प्लेट मैंने बनाए हैं उसके अंदर, ठीक हो गया। और नीचे सेम कलर की मैंने लेस लगा दी है। स्लीव का डिज़ाइन भी आप लोग देख लें, आगे मैंने इलास्टिक डाली है और कंधे पे मैंने चुंट डाली है, ठीक है, अलग से कपड़े पे। और इसका मैंने मैचिंग का सेम जो है वो हेयर बैंड भी तैयार किया है। और इसके जो है वो मैंने जो बो बनाई है उसके जो है दोनों तरफ मैंने वही लेस लगाई है जो कि फ्रॉक पे लगाई है। यहाँ पर देखें जी, ये है शर्ट पूरी फ्रंट इसकी साइड, और बैक साइड अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो बैक साइड से आपको बॉक्स प्लेटेड जो है प्लेट जो है वो अच्छे से दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख लें जी बैक साइड कैसी है। ऐसे मैंने तीन बटन लगाए हैं, ठीक है, काज पट्टी जैसे बना के उस तरीके से मैंने बटन लगा दिए हैं। बैक साइड पर वैसी सेम लेस है। और ये है जी फ्रॉक, इसकी लुक। इसका ट्राउज़र या कैप्री जो भी होगा वो मैंने अभी लेना है। आप मुझे बताइएगा कि मैं इसके साथ टाइट्स लूँ या फिर शॉर्ट लूँ, क्योंकि ये शॉर्ट फ्रॉक मैंने बनाई है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर कोई आइडिया दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे है जी ये वाली फ्रॉक ब्लू कलर की, ठीक है। चुनरी इसका प्रिंट है और मैंने इस पर भी सेम कलर की लेस लगाई है, ठीक है, आपको नज़र आ रही होगी। स्लीव्स भी इसके देख लें, और गले पर इसके चुन्नट है, ठीक है। और यहाँ पे स्लीव इसके खुले खुले हैं, कंधे पे सिर्फ मैंने जो है वो चुन्नट फ्रीक डाली है, ठीक हो गया। यहाँ पे ये देख लें जी, बहुत ही प्यारी सी ये भी फ्रॉक है। मेरी बेटी माशाल्लाह से 4 माह की है, तो आप लोग इस तरह से डिज़ाइनिंग किसी भी एज के बच्चों के कपड़ों पे कर सकते हैं। जस्ट मेरा मकसद आपके साथ आइडियाज शेयर करना है, ताकि आप लोग जो है वो अपने बच्चों के इस तरीके से बना सकें। यहाँ पर ये घेरा देख लें, घेरे पे भी मैंने लेस लगाई है। अच्छा, ये कमीज़ के साथ बचा हुआ कपड़ा था, ये सारा जो पीसीज बचे हुए होते हैं वो हैं, ठीक है। तो उनसे मैंने जो है वो अपनी बेटी के कपड़े बनाए हैं। कोई मैंने जो है वो ख़रीदे नहीं है कपड़े, इतनी एज के बच्चों के तो अपने साथ से भी बन जाते हैं। और अगर आपको स्टिचिंग आती हो, अपना ड्रेस बनाए और सेम अपनी बेटी का भी वैसा बना ले, इतनी छोटी अगर, हालांकि बच्चों के 2-3 साल तक भी जो है वो छोटे बच्चों के अपने अगर आप स्मार्ट हैं तो कपड़े बन सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसका ट्राउज़र है। अच्छा, ट्राउज़र आप सारे देखेंगे कि मैंने ना सारे ट्राउज़र पे ना लेसेस लगाई हैं, नीचे कोई डिज़ाइनिंग और नहीं की, क्योंकि छोटी बच्चियों के इतने मतलब डिज़ाइनिंग ज़्यादा ट्राउज़र पे अच्छी नहीं लगती, ठीक है। इस फ्रॉक की डिटेल देख लें। अच्छा, यहाँ पे मैंने इस पर भी बॉक्स प्लेटेड डाले हैं, ऊपर लेस लगाई है, ठीक है, आपको नज़र आ रही होगी। स्लीव्स इसके भी वैसे ही आगे इलास्टिक वाले हैं और कंधे पे चुन्नट है। इसका घेरा देख लें जी, गोल रखा है मैंने। और इसका ट्राउज़र कुछ इस तरीके से है, ये मैंने लेस लगा दी है। तो यहाँ पे आप इसकी डिज़ाइनिंग भी देख लें, आई होप आपको ये भी अच्छी लगी होगी। अच्छा, पीछे मैंने सबके बटन टेक रखी है, टिच बटन मैंने लगा दिए हैं ताकि बच्चों के सर पहनने में आसानी हो, ठीक है। इस तरीके से है जी ये वाला भी ड्रेस। अच्छा, नेक्स्ट ये है, ये मैंने अपने साथ से बनाया, यानी कि ये मेरा ड्रेस था, ठीक है। तो उसके साथ से बचा हुआ कपड़ा था, इतना सारा कपड़ा नहीं था, इजीली फ्रॉक तो बन गई थी लेकिन ट्राउज़र नहीं बन रहा था। फिर मुझे एक आइडिया आया, उसकी डिटेल भी मैं आपको दिखाती हूँ कि ट्राउज़र मैंने किस तरह से बनाया। पहले आप फ्रॉक देख लें, यहाँ पर इसका घेरा भी गोल है और मैंने लेस जो उसके अंदर छोटी छोटी बूटियाँ हैं उस तरह की लगाई है, उस कलर की, ठीक है। इस तरीके से है जी इसकी बैक साइड। यहाँ पे अच्छा ट्राउज़र देख लें, ट्राउज़र जो कपड़ों के साथ एक्स्ट्रा बॉर्डर होता है ना डिज़ाइनिंग के लिए, वो मेरा बचा हुआ था तो मैंने उसका ट्राउज़र बनाया है, ठीक हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सिलाई है और साइडों दोनों साइडों पे सिलाई है,
ठीक है। नीचे मैंने सेम कलर की वही लेस लगा दी है, तो ट्राउज़र ये बहुत अच्छा जो है वो मेरा ये वाला भी ड्रेस बन गया है बच्ची का, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट जो है वो बिल्कुल प्लेन है, खद्दर का है, और इस तरीके से मैंने इसका गला रखा है। दो इसके ऊपर मैंने जो जनाब लगाए हैं, तीन बल्कि ना मिरर लगाए हैं, और एक नीचे एंड पे एंड वाले मिरर के साथ टसल लगा दिया है। अच्छा इसके बाजू भी बहुत ही हसीन है, ठीक है। तीन फ्रॉक्स में मैंने ऐसे रखे हैं बाजू, यहाँ पे ये भी देख लें, ये रे जी बाजू, ठीक है। अच्छा इस पे भी मैंने जस्ट, मेरे पास बची हुई यही लेस थी, मैं बाज़ार नहीं जा सकती थी तो मैंने, मेरे पास बची हुई लेस यही थी तो मैंने इसके ऊपर लगा दी, जिस फ्रंट पे लगी है, ठीक है। एक मीटर भी नहीं थी, अगर एक मीटर होती तो पूरी हो जानी थी। इस तरीके से मैंने पट्टी वाला गला रखा है, और नीचे दो टिच बटन लगा दिए, ऊपर तीन मिरर लगा दिए हैं, और इस तरीके से है जी ये फ्रॉक, गोल घेरा है नीचे से, और इसका ये बहुत ही प्यारा सा ऑफ वाइट कलर का ट्राउज़र है, उसके नीचे भी मैंने सेम कलर की लेस लगा दी है। तो आई होप आपको सारी ही डिज़ाइनिंग पसंद आई होगी, मैं एक बार आपको फिर से दिखा देती हूँ। तो डिज़ाइनिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।